आगे आप देख रहे हैं कि मुसलसल 15-20 दिन से औकाफ के मसाइल को लेकर हर कोई चेयरमैन साहब को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात है या हाल ही में जो आशूर खाना, जो 150 साल पुराना आशूर खाना है, उसको बगैर इजाजत हुकूमत के उसको गिराया जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये इदारा जो है, जो ये दावा करता है कि औकाफ की जायदादों का तहफ्फुज़ करेगा, कहाँ है वो तहफ्फुज़? आज आप देखे हैं कि एक यानी कि मुसलमान की मैयत को आप शमशान घाट में तकसीम की जाती है, तो ये हमारा इदारा इस तरीके से काम कर रहा है। तो तमाम मसाइल को लेकर जहाँ पर इलीगल एंक्रोचमेंट है या औकाफ के जादों की लूट मार हो रही है, तो हम ये डिमांड करते हैं, जैसे कि अभी सुतारी साहब बताए कि मुख्तलिफ डिमांड से 8 से 10 डिमांड से उसी डिमांड का ताउन करते हुए कॉपरेट करते हुए माइनॉरिटीज राइट्स फाउंडेशन की जानब से मैं शिराज खान अपनी टीम के साथ चेयरमैन साहब के साथ यही मुतालबा करूंगी। और जहाँ पर औकाफ के मेंबरशिप की खुसूसी बात जब भी होती है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की होती है, तो मैं समझती हूँ कि ये सिस्टम में जब तक अंदर से जो दीमक खोखला कर रही है, जब तक उन अहदेदारों को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, ये सिस्टम या औकाफ का जो इदारा है वो कभी भी यानी कि कामयाब स्तर पर नहीं आएगा। इसीलिए हमारी ये डिमांड है कि औकाफ के जहाँ से 40-50 एकड़ लैंड को अलॉटमेंट की बात हो रही है, वो महज लाजिम है, और खबरस्तानों के लिए स्पेशल जगह देने की बात हो रही है, और खवातीन के लिए मजीद जो पेंशन यहाँ से दिए जाते हैं उसमें इजाफा हो, और हमारी जायदादों के तहत जो 2 बेडरूम लोन्स का यानी कि जो स्कीम चल रही है, क्या वो हमारे औकाफ के जायदादों से क्या मुस्तहिक गरीब गुरबा लोगों को मंशाए वक्त के तहत वो जमीन अलॉट करके उनसे मामूल किराया लेके उनको घर भी आप दे सकते हैं? ये सारे ऐसे डिमांड्स है, और इलीगल एंक्रोचमेंट को हम रोकने की यहाँ पर बात करते हैं। अगर 15 दिन के अंदर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, तो यकीनन सारी आवाम मिलकर, खुसूस माइनॉरिटी तमाम हैदराबाद के मिलकर यहाँ पर घेराव करेंगे। और दूसरी तरफ ये सख्ती से स्ट्रांगली हम डिमांड भी करते हैं कि जब तक चेयरमैन साहब को यहाँ पर इस्तीफा या सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ये इदारा ऐसा ही तबाह और बर्बाद होते जाएगा। बहुत हो चुका है, अब बहुत हो चुका है, बस हो है, बस हो चुका है, और यहाँ के अहदेदारों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा का सारा इदारा MIM के कब्जे में है ऐसा महसूस होता है, और काम उसी अंदाज से चल रहा है। एक तरफ CM साहब ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं इसके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी रद्द अमल नहीं नजर आ रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड को, मांगों को पूरा कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट प्रोटेस्ट यहीं पर होगा। आप मीडिया के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस चीज का मैसेज आम पब्लिक में लेके जाइए, ताकि इसका तहफ्फुज़ हकीकी तौर पर हो सके, यही कहना था। अवाम उन्नास और जो है नाजरीन को मुखातिब कर रहा हूँ मैं, हर जवाब के रूप एक नुमाइंदगी करने के सिलसिले में यहाँ पर हम जमात के अराकीन के साथ आए थे, उनके वोट का इजलास हो रहा है, इस वजह से चेयरमैन साहब से मुलाकात नहीं होगी। हम 8 मतालबात किए हैं, जिसमें अहम तरीन मतालबा ये है कि आप जो है वक्त जायदाद जो 40 से 50 एकड़ कम से कम ज़मीन जो है ग्रेव यार्ड्स के लिए दिया जाए, और वो लोग जो वक्त जायदाद के काबिज है और जो है वक्त बोर्ड के ऑफिसर उनके साथ ताउन अमल करके पैसे वसूल नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनके रेंट फीस कीजिए और उनसे पैसे लीजिए। और हमारा मतालबा ये है कि वक्त बोर्ड जो है जब इकबाल साहब थे उन मुतवलियों के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया था, लेकिन वक्त बोर्ड के ऑफिसर आज जो है कोर्ट में डॉक्यूमेंट भी दाखिल नहीं करते, पैरवी भी नहीं करते, बयान भी नहीं करते। खूसन अकबर निज़ामुद्दीन साहब सज्जादा शाह खामोश के सिलसिले में क्रिमिनल कोर्ट का जो है चीफ जज मतालबा कर रहा है कि आपके औकाफ के ऑफिसर नहीं आ रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, औकाफ के ऑफिसर आते नहीं हैं और ना रिकार्ड देते हैं और ना पैरवी करते हैं, बल्कि वक्त जायदाद को जो है सबोताज करते हैं और उन लोगों को भी मदद करते हैं जो वक्त जायदाद को बेच देना चाहते हैं और बेच दिए हैं। और ऐसे मौके पे हमारा मतालबा ये है हुकूमत से कि वो फौरन जो है जुडिशियल पावर दे, ताकि ये काम हो सके, और जो मुस्लिम कब्रस्तानों में मुसलमानों को दफन करने के लिए बाज़ाब्ता प्रोग्राम बनाया जाए और वो आम किया जाए, ताकि जो है हमारे हिंदू बिरादर के शमशान घाट में दफन न किया जाए, ताकि कल आइंदा किसी किस्म का झगड़ा ना हो। हमारा मतालबा ये है कि हम 15 दिन के अंदर
अगर ये ज्वाइंट मीटिंग नहीं करते हैं तो हमारी जमात के तरफ से हम घेराव करेंगे, हम धरना करेंगे, हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और जो है इनको मजबूर करेंगे कि हमारे नुमाइंदों के साथ आपकी तरह की एक ज्वाइंट मीटिंग हो और ये हमारे मसाइल पर गुफ्तगू करें। खुदा अवाम उन्नास और जो है नाज़रीन को मुखातिब कर रहा हूँ। मैं अजहर के रूबर एक नुमाइंदगी करने के सिलसिले में यहाँ पर हम जमात के अराकीन के साथ आए थे, उनके वक्त रोड का इजलास हो रहा है, इस वजह से चेयरमैन साहब से मुलाकात नहीं हुई। हम 8 मतालबात किए हैं, इसमें अहम तरीन मतालबा ये है कि आप जो है वक्त जायदाद जो 40 से 50 एकड़ कम से कम ज़मीन जो है ग्रेव यार्ड्स के लिए दिया जाए और वो लोग जो वक्त जायदाद के काबिज है और जो है वक्फ बोर्ड के ऑफिसर उनके साथ ताउन अमल करके पैसे वसूल नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनके रेंट फीस कीजिए और उनसे पैसे लीजिए। और हमारा मतालबा ये है कि वक्फ बोर्ड जो है जब इकबाल साहब थे उन मुतवलियों के ख़िलाफ़ उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया था, लेकिन वक्फ बोर्ड के ऑफिसर आज जो है कोर्ट में डॉक्यूमेंट भी दाखिल नहीं करते, पैरवी भी नहीं करते, बयान भी नहीं करते। खुसूसन अकबर निज़ामुद्दीन साहब सज्जादा शाह खामोश के सिलसिले में क्रिमिनल कोर्ट का जो है चीफ जज मुतालबा कर रहा है कि आपके औकाफ के ऑफिसर नहीं आ रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, औकाफ के ऑफिसर आते नहीं हैं और ना रिकार्ड देते हैं और ना पैरवी करते हैं, बल्कि वक्त जायदाद को जो है सबोताज करते हैं और उन लोगों को भी मदद करते हैं जो वक्त जायदाद को बेच देना चाहते हैं और बेच दिए हैं। और ऐसे मौके पे हमारा मतालबा ये है हुकूमत से कि वो फौरन जो है जुडिशियल पावर दे ताकि ये काम हो सके और जो मुस्लिम कब्रस्तानों में मुसलमानों को दफन करने के लिए बाज़ाब्ता प्रोग्राम बनाया जाए और वो आम किया जाए ताकि जो है हमारे हिंदू बिरादर के शमशान घाट में दफन ना किया जाए ताकि कल आइंदा किसी किस्म का झगड़ा ना हो। हमारा मतालबा ये है कि हम 15 दिन के अंदर अगर ये ज्वाइंट मीटिंग नहीं करते हैं तो हमारी जमात के तरफ से हम घेराव करेंगे, हम धरना करेंगे, हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और जो है इनको मजबूर करेंगे कि हमारे नुमाइंदों के साथ आपकी तरह की एक ज्वाइंट मीटिंग हो और ये हमारे मसाइल पर गुफ्तगू करें। खुदा।